Hello everyone. Welcome to this lecture of haloalkanes and haloarenes. Students, this is a very important chapter of organic chemistry and in today's lecture we are going to look at some exciting and interesting chemical reactions. So without wasting any time, let's begin with this first slide. Students, haloalkanes and haloarenes are formed by replacement of hydrogen atoms in hydrocarbons. देखो यार हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दैट और इवन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक अगर आप इसमें से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दो अ विदलोजन एटम देन दिस देजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैलो अल्केलो अरिंस इसको हम अल्काइल एंड अराइल हलाइट भी बोलते हैं तो यार बस आपको क्या करना है आपको हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम की जगह पे हेलोजन एटम अटैच करना है सो स्टूडेंट्स अगर आप अल्के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बंस इसमें से आप अगर हाइड्रोजन एटम के जगह पे हेलोजन एटम अटैच करते हो देन दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैलोअलकेरिन्स नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच वी विल लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज कंपाउंडस स्टूडेंट्स So the most basic classification of haloalkanes and haloarenes is based on number of halogen atoms in the compound. So basically guys if you have only one halogen atom in your compound then this compound is known as mono derivative. Similarly guys if you have two halogen atoms in the compound it is known as di derivative and guys if you have three halogen atoms in your compound it is known as tri derivative. यार ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है अगर आपके पास वन हाइलोजन आइटम है तो उसको हम मोनो बोलते हैं इफ यू हैव टू हाइलोजन एटम्स वी कॉल इट एस डाई इफ यू हैव थ्री हाइलोजन एटम्स वी कॉल इट एज ट्राई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो गैस काफी आसानी से हमने इस स्लाइड को कवर कर लिया है नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड ये स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इन विच वी आर गोइंग टू लुक एट

देन वी कैन क्लासीफाई बेस्ड ऑन थ्री कैटेगरीज वन डिग्री अगर आपका वन अल्काइल ग्रुप उस कार्बन को अटैच्ड है विच इज अटैच टू हेलोजन या फिर टू डिग्री इफ टू अलकाइल ग्रुप्स आर अटैच टू द कार्बन विच इज अटैच टू हेलोजन एंड थ्री डिग्री इफ थ्री अलकाइल ग्रुप्स आर अटैच टू द कार्बन विच इज अटैच टू हेलोजन तो गैस यहाँ टॉप पे जो क्लासीफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कितने अल्काइल ग्रुप्स हमारे उस कार्बन को अटैच हैं विच इज अटैच टू हाइलोजन कैस ये बहुत ऑब्वियस है कि इस केस में हमारा हाइलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है दैट कार्बन इज एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड कैस मैं आपको फिर से एक बार ये बताना चाहूंगा दैट वेनेवर योर हाइलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू एन अल्काइल ग्रुप देन इन दिस केस योर हाइलोजन इज अटैच टू एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अब गैस हमारा हाइलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है अगर उसके पास सिर्फ वन सिंगल अल्काइल ग्रुप है देन दिस इज नोन एज वन डिग्री अगर हमारा हाइलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है इफ इट हैज टू अल्काइल ग्रुप्स इट इज़ नोन एज टू डिग्री एंड सिमिलरली इफ आर हाइलोजन इज अटैच टू द कार्बन विच इज अटैच टू थ्री अल्काइल ग्रुप्स देन इट इज़ नोन एज थ्री डिग्री अब गाइस सेकेंड क्लासिफिकेशन पे आते हैं यहां सेकेंड क्लासिफिकेशन इज अलाइलिक हलाइट्स काइस आपका जो डबल बॉन्ड होता है इन अल्किन्स वो डबल बॉन्ड के जो साइड वाला कार्बन होता है इफ आर हाइलोजन इज अटैच टू दिस साइड कार्बन देन सच हलाइट्स आर नोन एज अलाइलिक हलाइट्स काइज ये बहुत सिंपल है मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं इफ द हेलोजन एटम इज अटैच टू द कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड देन इट इज नोन एज अलाइलिक हलाइड मतलब गाइस आपका हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड को अटैच नहीं होना चाहिए अगर आपका हेलोजन डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन को अटैच है तो उसको हम बोलते हैं अलाइलिक हलाइड गाइस नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड क्लासिफिकेशन इन दिस स्लाइड विच इज बें हलाइड सो स्टूडेंट्स इन बेनजाइलिक हलाइड यू नीड अ बेनजीन रिंग Guys, इफ़ यू हैव अ बेंजीन रिंग एंड योर halogen atom is attached टू अ कार्बन विच is attached टू द benzene रिंग देन इट इज़ नोन as बेंजाइलिक halide. यार देखो इस स्लाइड में जो क्लासिफिकेशन है ना वो सारे बहुत सिंपल है बट मेनी स्टूडेंट्स इग्नोर दिस मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि हम लोग हर एक पॉइंट कवर करें इन दिस वीडियोज़ तो इसीलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइज बेंजाइलिक हलाइड में बेंजीन रिंग का होना बहुत जरूरी है एंड हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन को अटैच नहीं होता गाइस बेंजाइलिक हलाइड में हेलोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन हेलोजन इज अटैच टू अ कार्बन एंड दिस कार्बन इज अटैच टू बेंजीन सो गाइस इन समरी इस पूरे स्लाइड में हमने सीखा है दैट वेनेवर हैलोजन इज अटैच टू अल्काइल ग्रुप देन इन दैट केस आर हैलोजन इज अटैच टू अ एस पी थ्री हाइब्रिडाइश कार्बन उसके बाद गैस हमने देखा दैट इफ आर हेलोजन इज अटैच टू अ कार्बन विच हैज़ वन अल्काइल ग्रुप तो उसको हम वन डिग्री बोलते हैं इफ़ दिस कार्बन हैज टू अल्काइल ग्रुप्स तो उसको टू डिग्री बोलते हैं एंड इफ दिस कार्बन हैज थ्री अल्काइल ग्रुप्स तो उसको हम थ्री डिग्री बोलते हैं उसके बाद गैस हमने देखा है दैट अलाइलिक हलाइट्स आर हलाइट्स जिसमें हेलोजन डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन को अटैच्ड होता है गाइस हेलोजन शुड बी अटैच टू द कार्बन जस्ट नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड इसको बोलते हैं अलाइलिक हलाइड एंड गाइस फाइनली बेंजाइलिक हलाइड में वी डेफिनेटली नीड अ बेंजीन रिंग एंड हमारा जो हैलोजन होगा इट इज नॉट अटैच टू द बेंजीन रिंग इट इज अटैच टू द कार्बन एंड दिस कार्बन इज अटैच टू द बेनजीन रिंग सो गाइज इसी के साथ ये पूरा स्लाइड कंप्लीट होता है लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लुक एट अनादर क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअलो यहां टॉप पे जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इट इज सो गलोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्ड को अटैच है देन इन दैट केस सच हेलाइट्स आर नोन एज विनाइलिक हलाइट्स देखोगाइस लास्ट स्लाइड में हमने देखा था दट इफ आर हैलोजन एटम ज अटैच टू द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड देन इट इज नोन एज अलाइलिक सो गाइस अलाइलिक का मतलब होता है आपका जो हाइलोजन आइटम है इट इज अटैच टू द कार्बन जस्ट नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड लेकिन गाइस इस स्लाइड में हम यह देख रहे हैं कि अगर आपका हेलोजन आइटम डायरेक्टली डबल बॉन्ड को अटैच है तो उसको हम लोग विनाइलिक बोलते हैं सिमिलरली यहां पर जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है उसमें हमारा जो हेलोजन एटम है इट इज अटैच डायरेक्टली टू द बेनजीन रिंग तो यारो अगर हमारा हाइलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं अराइल हलाइट सो गैस लास्ट स्लाइड और इस लाइड में मैं आपको कंपेरिजन दे देता हूं इन द लास्ट लाइट वी हैर्न की अगर हमारा हाइलोजन एटम डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन को अटैच्ड है तो उसको हम अलाइलिक बोलते हैं एंड गाइस इन दिस स्लाइड वी हैव दैट इफ हैलोजन अटैच टू द डबल बॉन्ड तो उसको हम विनाइलिक बोलते हैं सिमिलरली गाइस लास्ट स्लाइड में हमने ये भी देखा था दैट इफ आर हेलोजन इज अटैच टू अ कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच टू द बेंजीन रिंग तो उसको हम बेंजाइलिक बोलते हैं बट गाइस यहां पे हम देख रहे हैं ट इफ आर हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू देंजीन रिंग तो उसको हम अराइल बोलते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ हैलोअल एंडो अरिंग अलावा इसको भी हम समझते हैं फर्स्ट नोट इज दैट एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजिस हमारे हेलोजन के नाम मैं आपको बता देता हूं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन सो गाइस जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हो हमारे हेलोजन का साइज बढ़ता जाता है एंड दिस रिजल्ट्स इन लार्जर बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप इसका मतलब गाइस आपका जो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ होगा इट विल बी मोर एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ गाइस ये पॉइंट मैं आपको वापस एक बार बता देता हूं एज यू गो डाउन इन द पीरिक टेबल साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस इसका मतलब गाइस आयोडीन का साइज इज मच लार्जर एज कंपेयर टू फ्लोरिन एंड इसीलिए गाइस हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होगा इट विल बी ग्रेटर इन कंपेरिजन टू कार्बन फ्लोरिन बॉन्ड लेंथ अब गैस यहां पर जो सेकेंड पॉइंट है नोट में यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कैस, इन लोगों ने यहां पे बताया है दैट ऑल दो फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन येट डायपोल मोमेंट ऑफ सी एच थ्री सी एल इज मोर देन सी एच थ्री एफ देखो कैस मैं आपको डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन बताता हूं डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज चार्ज इन टू डिस्टेंस कैस फ्लोरिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें चार्ज ज्यादा होगा बट बिकॉज फ्लोरिन का साइज छोटा है उसका जो बॉन्ड लेंथ आता है वो कम हो जाता है मतलब उसका डिस्टेंस कम हो जाता है सो गैस डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज चार्ज इन टू डिस्टेंस तो हमारे फ्लोरिन में चार्ज ज्यादा होगा बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकिन फ्लोरिन का साइज छोटा है तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है एंड देयर फोर डिस्टेंस डिक्रीजेस तो गैस डाइपोल मोमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज एज वेल एज डिस्टेंस तो यहां पे गाइस जो नोट में सेकेंड पॉइंट है इसमें ये लोग हमें ये बताना चाह रहे हैं दैट सीएच थ्री सीएल का डायपोल मोमेंट सीएच थ्री एफ से ज्यादा होगा गाइस एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहूंगा लेकिन इस बार मैं आपको रिवर्स लॉजिक से समझाता हूं गाइस अगर आप सी एच थ्री सीएल को ऑब्जर्व करोगे तो क्लोरीन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता एज कंपेयर टू फ्लोरिन क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता मतलब गैस क्लोरीन पे उतना ज़्यादा चार्ज नहीं होगा तो गैस अगर क्लोरीन पे उतना ज़्यादा चार्ज नहीं है तो उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा कैसे है बिकॉज गैस हमारे क्लोरीन का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन एंड इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज़्यादा हो जाता है मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा सो so, गैस इन कंक्लूजन हमारे फ्लोरीन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा बट उसका जो डिस्टेंस होगा डायपोल मोमेंट में वो कम होगा एंड ऑन द अदर हैंड हमारे क्लोरीन में चार्ज कम होगा बट उसका जो डिस्टेंस होगा बॉन्ड लेंथ में वो ज्यादा होगा सो so गैस अभी ये दोनों अपोजिंग फैक्टर्स हो गए तो अभी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है कि, कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है सो so गैस हमारे सी का डायपोल मोमेंट सी एच थ्री एफ से ज्यादा होता है हमारा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा बट फिर भी हमारे सी एच थ्री सी एल का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा सो so गैस इसी के साथ ये स्लाइड पूरा कंप्लीट होता है नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड ये स्टूडेंट्स इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग एट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइट द फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम अल्कोहल्स गाइस आप अल्कोहल्स को यूज करके अल्काइल हलाइस बहुत इजीली बना सकते हो इसके लिए यहां पे फोर डिफरेंट मेथड्स मेथड है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड काइस इन दिस फर्स्ट मेथड वी आर रिएक्टिंग अल्कोहल विद एच एक्स काइस एच एक्स का मतलब होता है एच सी एल और एच बी आर और एच आई और एच एफ तो इसका मतलब गाइस जब भी आप अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे र एच सी एल एच बी आर एच आई और एच एफ तो आपको अल्काइल हलाइड मिलता है विथ रिलीज ऑफ वॉटर काइज अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को रीड करो अल्कोहल प्लस एच एक्स गिव्स यू अल्काइल हलाइड दैट मीन्स आर एक्स प्लस वॉटर काइज फर्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड इट इज अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड नाउलेट्स लुक एट द सेकेंड मेथड इन दिस सेकेंड मेथड वी आर रियक्टिंग अल्कोहल विथ पी एक्स थ्री गाइज पी एक्स थ्री को हम बोलते हैं ट्राइ हलाइड ऑफ फॉस्फरस तो गाइज जब आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हो विथ विट इज अल्काइल हलाइड दट इज आर एक्स एंड गाइज द साइड प्रोडक्ट इज एच थ्री पीओ थ्री गाइज साइड प्रोडक्ट को याद रखना बहुत जरूरी है सो गाइज फर्स्ट रिएक्शन में हमने देखा

सो गाइज वेन यू रिएक्ट अल्कोहल विथ पी सी एल फाइव द प्रोडक्ट्स दैट यू गेट आर अल्काइल क्लोराइड दैट इज आर सी एल एंड द साइड प्रोडक्ट्स आर पी ओ सी एल थ्री एंड एच सी एल देखो गाइज आप है ना सिर्फ साइड प्रोडक्ट्स को याद कर लो फर्स्ट रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट इज वाटर इन द सेकेंड रिएक्शन साइड प्रोडक्ट इज एच थ्री पीओ थ्री मतलब गाइज जब आप पी एक्स थ्री के साथ रिएक्ट करोगे तो साइड प्रोडक्ट मिलेगा एच थ्री पी ओ थ्री थर्ड रिएक्शन द साइड प्रोडक्ट्स आर पी ओ सी एल थ्री एंड एच सी एल एंड गाइज नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ एंड द फाइनल मेथड इन दिस स्लाइड अगर आप अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हो विथ एसओ सी एल टू देन अगेन यू गेट अल्काइल क्लोराइड आर सी एल एंड गाइस इन दिस केस द साइड प्रोडक्ट्स आर एसओ टू गैस एंड एच सी एल गैस गाइस ये जो फोर्थ मेथड है इसको हम लोग बेस्ट मेथड मानते हैं दिस इज द बेस्ट मेथड इन दिस स्लाइड गाइस ये जो फोर्थ मेथड है इसमें साइड प्रोडक्ट्स हैं एसओ टू गैस एंड एच सी एल गैस बिकॉज गाइज द साइड प्रोडक्ट्स आर गैसेज दे एस्केप वेरी इजिली यार देखो जब भी आपके साइड प्रोडक्ट्स गैसेस होते हैं आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उन साइड प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए सो so, गाइस इस स्लाइड में हमने सीखा है दैट वेन यू रिएक्ट अल्कोहॉल विथ एच एक्स आपको मिलता है अल्काइल क्लोराइड एंड वाटर वेन यू रिएक्ट अल्कोहल विद पी एक्स थ्री यू अगेन गेट अल्काइल हलाइड एंड इन दिस केस यू गेट साइड प्रोडक्ट एस एच थ्री पी थ्री एंड गाइस इफ यू रिएक्ट अल्कोहल विद पी सी एल फाइव यू गेट अल्काइल क्लोराइड एंड द साइड प्रोडक्ट्स आर पी ओ सी एल थ्री एंड एच सी एल एंड फाइनली गाइस वेन यू रिएक्ट अल्कोहल विद एस सी एल टू यू गेट अल्काइल क्लोराइड एंड द साइड प्रोडक्ट्स आर एसओ टू गैस एंड एच सी एल गैस तो गैस इस स्लाइड में आपको बस इतना ध्यान में रखना है दैट एसओ सी एल टू वाला मैथड बेस्ट मेथड है बिकॉज उसमें जो साइड प्रोडक्ट्स हैं दे आर एसओ टू गैस एंड एच सी एल गैस विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रिएक्शन इन दिस स्लाइड नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड ये गाइस इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लुक एट सम इंपोर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग द लास्ट स्लाइड

गाइस आप यहां देख सकते हो दैट द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज एच आई ग्रेटर देन ग्रेटर देन मतलब गाइस हमारा जो एच आई है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एंड हमारा जो एच एफ है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द लास्ट स्लाइड इसके अलावा गाइस जो सेकेंड पॉइंट है वो भी हमारे फर्स्ट रिएक्शन से रिलेटेड है सो गैस इन द सेकेंड पॉइंट दे हैव गि एस दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इज थ्री डिग्री मोर देन टू डिग्री मोर देन वन डिग्री मोर देन मिथाइल अल्कोहल सो गैस जो हमारा थ्री डिग्री अल्कोहल होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट रियक्ट करता है सो गैस लास्ट स्लाइड में जो हमने रिएक्शन देखे हैं उन रिएक्शंस में हमारा जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल होगा उसका ऑर्डर होगा थ्री डिग्री मोर देन टू डिग्री मोर देन वन डिग्री तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस इन दिस फर्स्ट पॉइंट वी हैव लर्न कि एच आई इज मोर रिएक्टिव देन एच बी आर एच बी आर इज मोर रिएक्टिव देन एचसीएल एंड एच सी एल इज मोर रिएन एच एफ और गाइस यहां सेकेंड पॉइंट में हमने सीखा है दैट अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है थ्री डिग्री मोर देन टू डिग्री मोर देन वन डिग्री अब गैस यहां पर जो थर्ड पॉइंट है इन दिस नोट इन दिस केस दे हैव गिवन अस ट देर इज समथिंग नोन एस लूकस रिएजेंट गाइस लूकस रिएजेंट होता है एनहाइड्रसड एनसीएल टू एन एच सी एल इसके बारे में हम आगे वाले स्लाइड में भी सीखेंगे पर यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं गाइस इफ यू रिएक्ट अल्कोहल विथ एन हाइड्रस जेड एनसीएल टू एन एच सी एल मतलब अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हो विथ लूकस रिएजेंट देन इन दैट केस गाइस आपका जो थ्री डिग्री अल्कोहल है वो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है इट गिव्स यू इमीडिएट टर्बिडिटी जो आपका टू डिग्री अल्कोहल होता है वो थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करता है इट गिव्स यू टर्बिडिटी इन फाइव मिनट्स एंड गैस जो आपका वन डिग्री अल्कोहल होता है वो रिएक्ट नहीं करता गैस देखो हमने पॉइंट नंबर टू में यहां सीखा है दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज थ्री डिग्री मोर देन टू डिग्री मोर देन वन डिग्री सो गाइस वही प्रॉपर्टी हम यहां यूज कर रहे हैं अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हो विथ लोकस रिएजेंट दैट इज एनहाइड्र जेडेंसीएल टू एन एच सी एल तो उस केस में आपका थ्री डिग्री बहुत फास्ट रिएक्ट करता है इट गिव्स यू इमीडिएट टर्बिडिटी आपका टू डिग्री अल्कोहल थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है इट गिव्स यू टर्बिडिटी इन फाइव मिनट्स एंड गाइस आपका वन डिग्री अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता इसका मतलब गाइस आप लोकस रिएजेंट को यूज कर सकते हो टू डिफरेंशिएट बिटवीन थ्री डिग्री टू डिग्री एंड वन डिग्री अल्कोहल और गाइस यहां पे जो लास्ट पॉइंट है नोट में वो बहुत ही सिंपल पॉइंट है गाइस लास्ट स्लाइड में जो लास्ट रिएक्शन था उसमें हम लोगों ने एसओ यूज किया था इट वॉज द बेस्ट मेथड तो वहां पे हम एसओ बी आर टू या फिर एसओ आई टू यूज नहीं करते उसके बारे में यहाँ पे मैंशनड है गैस आप यहाँ पे रीड कर सकते हो एस ओ बी आर टू इज लेस स्टेबल एंड एस ओ आई टू डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि गैस एस ओ आई टू एग्जिस्ट नहीं करता और एस ओ बी आर टू स्टेबल ही नहीं है इसीलिए हम उसको रिएक्शन में यूज नहीं करते तो गैस लास्ट स्लाइड का जो लास्ट रिएक्शन था उसमें हम लोग सिर्फ एसओ सी एल टू यूज कर सकते हैं इसके अलावा गैस उन लोगों ने यह भी यहां मेंशन किया है दैट पी बी आर फाइव एंड पी आई आर हाईली अनस्टेबल एंड हेंस दे आर आल्सो नॉट यूज्ड सो गैस इन समरी इस पूरे स्लाइड में हमने जो इंपॉर्टेंट चीज सीखी है वो ये है दैट एचएक्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा होता है कि आपका एच आई इज मोस्ट रिएक्टिव एंड एच एफ इज लीस्ट रिएक्टिव एंड गाइस अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है थ्री डिग्री मोर देन डिग्री मोर देन डिग्री और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आप लूकस रिएजन का टेस्ट कर सकते हो लूकस रिएजन टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन थ्री डिग्री टू डिग्री एंड वन डिग्री अल्कोहल विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द नोट्स इन दिस स्लाइड नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड ये स्टूडेंट्स इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लुक एट कन्वर्जन ऑफ अल्कीन टू डाई हलाइट्स काइज आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हो जो बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है इन दिस रिएक्शन अल्कीन रिएक्ट्स विद एक्स टू एंड आपके जो दोनों हाइलोजन के आइटम्स हैं दे गेट अटैच टू बोथ द कार्बन इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड काइज यहाँ पर हम एक्स टू को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर Guys, यहां पे एक्स हो सकता है आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन सो so ये बहुत सिंपल रिएक्शन है इस रिएक्शन में आपका जो अल्कीन होता है उसमें जो डबल बॉन्ड में कार्बन इन्वॉल्व होते हैं उन दोनों कार्बन को एक एक हेलोजन अटैच हो जाता है दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डायहेलाइड कैस विनल डायहेलाइड का मतलब होता है टू हेलोजन एटम्स आर अटैच टू कार्बन विच आर साइड बाय साइड सो गैस अगर आपके टू हेलोजन एटम्स टू कार्बन एटम्स को अटैच हैं एंड इफ दीज टू कार्बन एटम्स आर साइड बाय साइड देन इट इज़ नोन एज विनल डायलाइड तो गैस आप यहां डायग्राम में देख सकते हो कि अल्कीन को जब आप एक्स टू के साथ रिएक्ट करते हो तो आपके जो दोनों हाइलोजन एटम्स हैं यानी कि आपके जो दोनों एक्स हैं वो उन कार्बन को अटैच हो जाते हैं जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व थे और गैस आपके ये दोनों एक्स अभी साइड साइड वाले कार्बन पे आ चुके हैं एंड देर फोर दिस इज नोन विसिनल डायलाइड सो गैस यहां पे नीचे और ये भी है कि इफ यू यूज ब्रोमीन एंड सी सी एल फोर तो हमारे ब्रोमीन का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन वो डिस्चार्ज हो जाता है सो गैस दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन टेस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर यू हैव गाइस अगर आपके पास कोई कंपाउंड है ट टू चेक वेदर दिस कंपाउंड इज अल्कीन तो आप उसको ब्रोमीन एंड सी सी एल फोर में एड कर सकते हो एंड गाइज अगर आपके ब्रोमीन और सी सी एल फोर का जो रेडिश ब्राउन कलर है अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब डेफिनेटली आपका कंपाउंड अल्किन है या फिर डेफिनेटली आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है सो गाइस इन कंक्लूजन इस पूरे स्लाइड में हमने ये सीखा है दैट अगर आप अल्कीन को रिएक्ट करते हो विथ एक्स टू इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर तो आपके जो दोनों हाइलोजन एटम्स हैं बोथ ऑफ देम गेट अटैच टू द अल्कीन एंड बोथ ऑफ देम गेट अटैच टू द कार्बन एटम्स विच वेयर इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड और गाइस ये जो दोनों हाइलोजन ऐटम्स हैं दे कम साइड बाय साइड एंड देयर फोर इट इज नोन एज विसिनल डायहालाइड एंड गाइज द लास्ट पॉइंट इज दैट ब्रोमीन हैज रेडिश ब्राउन कलर तो अगर आप अलकीन या फिर ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है अगर आप उसको ब्रोमीन एंड में एड करते हो तो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस रिएक्शन नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड ये स्टूडेंट्स इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लुक एट द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद एच एक्स देखो guys, हमने है ना प्रिपेरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स में सबसे पहले देखा था दैट अल्कोहल प्लस एच एक्स गिव्स यू अल्काइल हलाइड एंड वॉटर यहां पे हमें यह देखना है कि अगर आप अल्कीन और एच एक्स का रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा सो गैस व्हेन यू रिएक्ट अल्कीन विथ एच एक्स देन इन दैट केस हाइड्रोजन गेट्स अटैच टू वन ऑफ द कार्बन इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड एंड एक्स गेट्स अटैच टू द अदर कार्बन इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड यार देखो ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है इसमें गैस आपको हाइड्रोजन एटम अटैच करना है टू वन ऑफ द कार्बन एटम्स इन्वॉल्ड इन द डबल बॉन्ड एंड आपको एक्स एटम अटैच करना है टू द अदर कार्बन एटम इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड गाइस ये जो एडिशन होता है दिस एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल सो गैस मार्कोनिक ऑफ रूल हमें ये बताता है कि हमारा जो एक्स है यानी कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है X- माइनस इट विल गेट अटैच टू कार्बन विद लेस हाइड्रोजन का मैं फिर से रिपीट करता हूँ अगर आप अल्किन को रिएक्ट करवाओगे विथ एच एक्स इन दैट केस हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड एंड X- माइनस यानी कि हाइलोजन एटम विल गेट अटैच टू द अदर कार्बन एटम इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड लेकिन गाइस दिस एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल तो मार्कोनिक ऑफ रूल हमें यह बताता है कि जो हमारा एक्स माइनस है यानी कि जो हमारा न्यूक्लियो फाइल है एक्स माइनस इट विल गेट अटैच टू कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन इसको आप याद कर लो गाइस हमारा जो हाइलोजन है एक्स माइनस इट विल गेट अटैच टू कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन अब गाइस इसके अलावा नीचे एक और चीज मेंशन है रिएक्टिविटी ऑफ एच एक्स इज एच आई मोर देन एच बी आर मोर देन एच सी एल मोर देन एच एफ यार ये तो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा है guys, अगर आपको याद है अल्कोहल प्लस एच एक्स गिव अलका भी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था वो यही था हमारा एच आई ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू एच बी आर एच बी आर ज्यादा रिएक्टिव है लीस्ट रियक्टिव इज एच एफ सो गाइज इन कंक्लूजन इन दिस स्लाइड वी हैर्न

येस स्टूडेंट्स इन दिस स्लाइड वी विल अगेन लुक एट मार्कोनिक ऑफ सुरूल देखो यार यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है यानी कि हमारा जो हैलोजन है इट विल अटैच टू कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन कैस आप नीचे यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हो इन दिस रिएक्शन वी हैव प्रोटीन और कैस अगर आप नोटिस करोगे इन प्रोटीन द सेंट्रल कार्बन एटम ज लेस हाइड्रोजन तो इसका मतलब गाइस जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे विथ एच तो हमारा जो हैलोजन है ब्रोमीन इट विल अटैच टू कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन मतलब हमारा ब्रोमीन सेंट्रल कार्बन एटम को अटैच होगा गाइस मार्कोनिकॉफ्स रूल बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है मार्कोनिकॉफ्स रूल टेल्स दैट द न्यूक्लियो फाइल टू कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन तो गैस आप नीचे अगर रिएक्शन देखोगे तो प्रोपीन में जो हमारा सेंट्रल कार्बन है उसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इसका मतलब जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे एच के साथ तो ब्रोमीन विल अटैच टू कार्बन विच इज एट द सेंटर गैस ब्रोमीन हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है बी माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है और ये न्यूक्लियोफाइल सेंट्रल कार्बन आइटम को अटैच होगा बिकॉज सेंट्रल कार्बन आइटम के पास कम हाइड्रोजन है न्यूक्लियोफाइल अटैचेज टू कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन विद दिस हैव वनस अगेंड अंडरस्टूड अबाउट मार्कोनिकॉफ्स रूल नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड ये स्टूडेंट्स नाउ इन दिस स्लाइड वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल देखो यार जिस तरह मार्कॉनिक रूल है उसी तरह एंटी मार्कोनिक रूल है एंड दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड काइस अगर आप अल्कीन में एच बी आर एड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड देन इन दैट केस एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल विल टेक प्लेस गाइस एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल का मतलब होता है योर न्यूक्लियोफाइल विल अटैच टू कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन देखो लास्ट स्लाइड में हमने सीखा है दैट न्यूक्लियोफाइल अटैच टू कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन और उसी को हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं यहां पे हम सीख रहे हैं कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है काइज इन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल योर न्यूक्लियो फाइल विल अटैच टू कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन तो गाइस आप नीचे रिएक्शन देख सकते हो वी हैव प्रोपीन एंड वी आर रिएक्टिंग प्रोपीन विथ एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड देखो गाइस ये पेरोक्साइड बहुत जरूरी है इफ यू डोंट हैव पेरोक्साइड देर विल बी नो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल गैस अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो हमारा सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल ही होगा हमने लास्ट स्लाइड में देखा है अल्किन प्लस एच से मार्कोनिकॉफ रूल बनता है तो गैस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब करना है वेन यू सी पेरोक्साइड तो अगर एच और पेरोक्साइड यूज करोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा इसका मतलब गैस हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ब्रोमीन इस बार वो राइट वाले कार्बन एटम को अटैच होगा गाइस इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन हमारा जो राइट right वाला कार्बन आइटम है इट हैज मोर हाइड्रोजन गाइस जो कार्बन आइटम डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं उसमें से जो राइट right वाला कार्बन आइटम है एक्सट्रीम राइट right वाला इट हैज मोर हाइड्रोजन तो एंटी ऑफ रूल हमें यह बताता है कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ब्रोमिन हमें वो उस कार्बन को अटैच करना है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है सो गाइज इन कंक्लूजन इन दिस स्लाइड वी हैव अंडरस्टूड दैट वेन एवर यू हैव एच बी आर एंड पेरॉक्साइड तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करना है एंड इसका मतलब गाइज यू विल अटैच ब्रोमिन यू विल अटैच आर न्यूक्लियोफाइल बी आर माइनस टू द कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन तो गाइज इस केस में जो डबल बॉन्ड में हमारे कार्बन इन्वॉल्व हैं उसमें से जो राइट वाला कार्बन है इट हैज मोर हाइड्रोजन एंड इसीलिए गाइस हम यहां पे न्यूक्लियोफाइल यानी ब्रोमीन को राइट वाले कार्बन को अटैच करते हैं सो गाइस गाइस विद ऑल्सो अंडरस्टूड वॉट इज एंटी मार्कोनिकॉस रूल नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड ये स्टूडेंट्स इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लुक एट प्रिपरेशन ऑफ अलकाइल हलाइट फ्रॉम अलकेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन यार ये बहुत सिंपल रिएक्शन है दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म गाइज ये आपको अच्छे से याद रखना है दैट द हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन्स फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो गाइज जब आप किसी भी अल्केन को रिएक्ट करवाओगे विथ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इन दैट केस हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स टेक्स प्लेस गाइस ये जो हैल्यूजनेशन है इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म गाइस यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है और इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी थ्री डिग्री मोर देन टू डिग्री मोर देन वन डिग्री कैस देखो जब भी आपका फ्री रेडिकल फॉर्म होता है तो थ्री डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू टू डिग्री फ्री रेडिकल एंड टू डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू वन डिग्री फ्री रेडिकल सो कैस इस पूरे स्लाइड में आपको बस ये समझना है दैट वेन एवर यू रिएक्ट अलकेस विथ क्लोरीन और ब्रोमीन और फ्लोरिन इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू इन दैट केस हैलोजिनेशन ऑफ अल्केस टेक्स प्लेस और गाइस दिस हेलोजेनेशन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड इसका मतलब थ्री डिग्री हाइड्रोजन विल बी मोर रिएक्टिव देन टू डिग्री हाइड्रोजन एंड टू डिग्री हाइड्रोजन विल बी मोर रिएक्टिव देन वन डिग्री हाइड्रोजन गाइस इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रख सकते हो दैट फ्लोरिन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मतलब आप जो यहां पे हेलोजन यूज करोगे उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन इसका मतलब गैस आपका फ्लोरीन कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव है इनफैक्ट गैस फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव विथ अल्केन्स दैट द रिएक्शन इज एक्सप्लोजिव इन नेचर ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस गैस अगर आप अल्केन्स का रिएक्शन करवाते हो विथ फ्लोरिन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू लोजेनेशन ऑफ टेक्स प्लेस मतलब आपके हाइड्रोजन के जगह पे हैलोजन आ जाएगा गैस इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है थ्री डिग्री मोर देन टू डिग्री मोर देन डिग्री बट गाइस हेलोजेंस का रिएक्टिविटी क्या है हैलोजेंस में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा के साथ इनफैक्ट वो इतना रिएक्टिव है कि आपका रिएक्शन एक्सप्लोजिव इन नेचर हो जाता है सो गाइस फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव फॉलोड बाय क्लोरिन फॉलोड बाय ब्रोमीन एंड गाइस आयोडीन विल बी द लीस्ट रिएक्टिव तो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स में गाइस आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव इनफैक्ट गाइस आयोडीन इतना कम रिएक्टिव है कि उसका रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर सो गाइज इन कंक्लूजन वेन एवर यू रिएक्ट अल्केन्स विथ हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू यू विल गेट अल्काइल हलाइड मतलब आपके हाइड्रोजन के जगह पर हेलोजन आइटम आ जाएगा इसको हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं या फिर इसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं एंड गाइस दिस रिएक्शन फॉलोस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्टिविटी ऑर्डर इज थ्री डिग्री मोर देन टू डिग्री मोर देन वन डिग्री क्योंकि वो हमारे फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है एंड गाइस रिएक्टिविटी ऑफ हाइलोजेंस इज फ्लोरिन मोर देन क्लोरिन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन मतलब फ्लोरिन इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव

सो so गैस यहाँ फर्स्ट पॉइंट में वही चीज मैंशन है उन लोगों ने बताया है यहाँ फर्स्ट पॉइंट में दैट क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन कैन बी अचीव्ड बाय द अबव मेथड मतलब जो हमने लास्ट स्लाइड में मेथड देखा है उससे आप क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन इजीली करवा सकते हो बट गैस आप फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शन एक्सप्लोजिव होगा एंड गाइस आप आयोडिनेशन नहीं करवा सकते क्योंकि आयोडिनेशन रिवर्सिबल होगा मतलब उसका रिएक्शन इतना स्लो है कि रिएक्शन रिवर्स में चला जाता है सो so गाइस अगर आपको आयोडिनेशन कराना है तो उसके लिए गाइस एक मेथड है वो यहां पे मैंशनड है कि आयोडिनेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक एच और एच तो गाइस अगर आपको अल्केस का रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाना है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी लाइक एच एन ओ थ्री और एच आई ओ थ्री गैस इसके अलावा यह भी मैंशनड है दैट डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इस हाईली एक्सोथर्मिक मतलब वो एक्सप्लोजिव होगा एंड इसीलिए गैस अगर आपको फ्लोरिनेशन करवाना है तो उसके लिए अलग मेथड है उसके लिए उन लोगों ने यहां मेंशन किया है दैट फ्लोरिनेशन इज डन बाय हीटिंग अल्काइल क्लोराइड्स विथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लाइक एच जी टू एफ टू ए जी एफ या फिर एस बी एफ थ्री सो गैस इस स्लाइड में वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अल्केन्स क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं बट अल्केन्स फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट आप नहीं करवा सकते क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोजिव है तो अगर आपको फ्लोरिनेशन करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा एच जी टू एफ टू या फिर ए जी एफ या फिर एस बी एफ थ्री और गाइस सिमिलरली आप आयोडिनेशन नहीं करवा सकते क्योंकि आयोडिनेशन का जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल इन नेचर है तो अगर आपको आयोडिनेशन करवाना है देन इन दैट केस गाइस यू विल नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक और इसके अलावा यहां पे सेकेंड पॉइंट जो है नोट्स में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दे आर टेलिंग अस दैट जब आप ये हाइलोजन एड करते हो हाइड्रोकार्बन में देन इन दैट केस बेन्जाइलिक हाइड्रोजन ज इवन मोर रिएक्टिव देन थ्री डिग्री टू डिग्री एंड वन डिग्री देखोगा इस लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था दैट थ्री डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन टू डिग्री हाइड्रोजन एंड टू डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन वन डिग्री हाइड्रोजन क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां पर नोट्स में हमें यह पता चल रहा है दैट थ्री डिग्री हाइड्रोजन से भी ज्यादा अगर कुछ रिएक्टिव है तो वो होता है बेंजाइलिक हाइड्रोजन

कि अगर आपको फ्लोरिनेशन करवाना है देन यू विल हैव टू यूज एच जी टू एफ टू ए जी एफ और एस बी एफ थ्री एंड गाइस अगर आपको आयोडिनेशन करवाना है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी लाइक एच एन ओ थ्री और एच आई ओ थ्री एंड गाइस हमने ये भी सीखा है दैट बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन थ्री डिग्री हाइड्रोजन एंड गाइस हमें पता ही है दैट थ्री इज मोर रिएक्टिव देन टू डिग्री एंड टू डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन न डिग्री सो गाइज इसी के साथ ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड सो यस गाइस इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लुक एट टू इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वाच्स रिएक्शन काइज ये दोनों रिएक्शन बहुत ईजी हैं लेट्स स्टार्ट विद द फिंकलस्टीन रिएक्शन काइज इन फिंकलस्टीन रिएक्शन यू रिएक्ट अल्काइल हलाइड विद एन ए आई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोन इससे आपको अल्काइल आयोडाइड मिलता है आर आई एंड द साइड प्रोडक्ट इज एन एक्स काइस जैसा मैंने आपको लास्ट के दोनों स्लाइड्स में बताया है आयोडिनेशन ऑफ अल्केन्स अल्केज नॉट इजी ये रिएक्शन इतना स्लो होता है दैट दिस रिएक्शन गोज इन रिवर्स टू मेक श्योर दैट आयोडिनेशन टेक्स प्लेस आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं लाइक एच एन ओ थ्री और एच आई ओ थ्री तो गाइस अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज नहीं करने हैं देन इन दैट केस यू कैन यूज दिस फिंकलस्टीन रिएक्शन तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप अल्काइल हलाइड का रिएक्शन करवाते हो विद एन ए आई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोन गैस इससे आपको मिलता है अल्काइल आयोडाइड नाउ गाइस सिमिलर टू फिंकलस्टीन रिएक्शन वी हैव स्वॉट्स रिएक्शन गाइज इन स्वॉट्स रिएक्शन आप अल्काइल हलाइड का रिएक्शन करवाते हो विफ एच जी टू एफ टू एस बी एफ थ्री और सीओ एफ टू बेसिकली गाइस आप अल्काइल हलाइड का रिएक्शन करवाते हो एजेंट्स यार देखो हमने ये रिएक्शन लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी कवर कर दिया है बस हमें ये नहीं पता था कि उसका नाम स्वाट्स रिएक्शन होता है गाइस इन द लास्ट स्लाइड वी हैव वी कि अगर आप अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाओगे विथ ए जी एफ एच जी टू एफ टू या फिर एस बी एफ थ्री देन इन दैट केस यू गेट अल्काइल फ्लोराइड गाइज इसी रिएक्शन को हम लोग स्वाच्स रिएक्शन बोलते हैं सो गाइज इन समरी वेन यू यूज एन ए आई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोन यू गेट अल्काइल आयोडाइड एंड दिस इज नोन एज फिंकल स्टीन रिएक्शन एंड गाइज वेन यू यूज ए जी एफ एच जी टू एफ टू एस एस बी एफ थ्री और सीओ एफ टू ट अलकाइल फ्लोराइड एंड दिस इज नोन एस स्वर्ट्स रिएक्शन सो गैस इसी के साथ यह पूरा स्लाइड कंप्लीट होता है नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग एट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अलकाइल हलाइट ये बहुत सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आप यहां पर दो पॉइंट में रीड कर सकते हो लोअर अलकाइल हलाइट आर गैशियस इन नेचर वेर एस हायर हलाइट्स आर आइदर लिक्विड्स और सॉलिड्स कैस देखो ये जनरली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ट्रू है जो हमारे लोअर ग्रुप वाले होते हैं यानी कि जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं दे आर यूजअली गैसेस कैस जैसे जैसे आपके कार्बन आइटम्स बढ़ते जाते हैं आपका मोलिकुलर मास बढ़ता जाता है आपका वैंडरवल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और इसीलिए गैस जो आपके हायर मेम्बर्स होते हैं वो हमेशा लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं सो इन दिस फर्स्ट स्लाइड वी हैव सीन दैट द लोअर अल्काइल हलाइट यानी जिसमें कार्बन एटम्स कम होंगे दे विल बी गैसेस एंड गाइस जो हायर अल्काइल हलाइट होंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं दे विल बी लिक्विड्स और सॉलिड्स गाइज सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बहुत सिंपल चीज मेंशन करी है दैट अल्काइल हलाइट आर कलरलेस व्हेन प्योर इसके अलावा गाइस दे हैव आल्सो मैंशन दैट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर वेन एक्सपोज टू लाइट सो गैस सेकेंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दैट लोअर अल्काइल हलाइट्स आर गैसेस वेर एज द हायर अल्काइल हलाइट मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन आइटम्स होंगे दे विल बी लिक्विड्स और सॉलिड्स सो गैस इसी के साथ हमने फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर ली है नाउ लेट्स मूव अहड टू द नेक्स्ट स्लाइड ये स्टूडेंट्स

अल्काइल हलाइड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कैस देखो हमारे जो हैलोजेंस होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर तो हमारे हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं या फिर अपनी तरफ पुल करते हैं इस वजह से हमारे हेलोजन्स के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता है और हमारे कार्बन पे प्लस आ जाता है सो गैज वेन यू हैव माइनस एंड प्लस चार्ज इन योर कंपाउंड तो दो अलग अलग कंपाउंड्स में अट्रैक्शन ज्यादा होता है एंड देयर फोर गाइज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस मैं आपको ये फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं गाइज हमारे जो अल्काइल हलाइट्स होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे अलकेन्स से ज्यादा होगा अगर आपके अलकेन और अल्काइल हलाइट का मास ऑलमोस्ट सिमिलर है तो उस केस में अल्काइल हलाइट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज़्यादा होगा इसका रीजन बहुत सिंपल है हमारा अल्काइल हेलाइड एक पोलार मॉलिक्यूल है इसका मतलब कैस हमारे अल्काइल हेलाइड में माइनस एंड प्लस चार्ज होते हैं एंड इस वजह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है एंड देर फोर दे आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस कैस इसके अलावा हमें यह भी समझना बहुत जरूरी है दैट अल्काइल आयोडाइड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इट विल बी मोर

तो जिसका भी मास ज्यादा होता है और जिसका भी सरफेस एरिया ज्यादा होता है गाइस उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है सो so गाइस हमारे जो हलाइट्स हैं उसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर इज ग्रेटर देन आर सी एल इज ग्रेटर देन आर एफ और गैस फाइनली हमें बस एक लास्ट पॉइंट समझना है दैट इफ यू हैव अल्काइल हलाइट विच हैज मोर ब्रांचिंग तो गैस जैसे ही आपका ब्रांचिंग इंक्रीज होता है आपका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है काइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ट्रू है काइज जैसे ही आपके अल्काइल हलाइट में अल्काइल ग्रुप्स का ब्रांचिंग इंक्रीज होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है इस जैसे आपका ब्रांचिंग इंक्रीज होता है आपके जो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है एंड इसीलिए वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है एंड इसीलिए गैस आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है सो गैस इन कंक्लूजन इस पूरे स्लाइड में हमने तीन इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं पॉइंट नंबर वन इज दैट अल्काइल हलाइट्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे अल्केस से ज्यादा होगा पॉइंट नंबर टू इज दैट अल्काइल आयोडाइड इज मोर देन अलकाइल ब्रोमाइड इज मोर देन अलकाइल क्लोराइड इज मोर देन अलकाइल फ्लोराइड इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड गाइज पॉइंट नंबर थ्री इज कि जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग इंक्रीज होता है अल्काइल हलाइड में आपके अल्काइल हलाइड का जो बॉयलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा विद दिस गाइज वी हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर अल्काइल हलाइट्स Now let's move ahead to the next slide.